अभी तक सिर्फ दो अधिकारियों के तबादले किए गए, एक लाइन हाजिर किया गया है, का तबादला किया गया है कार्रवाई के नाम पर, फिलहाल यही हुआ है। तो वाराणसी में पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया ही, साथ ही पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के लाठीचार्ज में न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पत्रकार अमितेश श्रीवास्तव जख्मी हो गए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घेर कर एक पत्रकार को पीटा जा रहा है, ये अमितेश श्रीवास्तव है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता, उत्तर प्रदेश पुलिस का बेरहम चेहरा, बर्बर चेहरा, क्रूर चेहरा आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। पुलिस ने पीटना शुरू किया आईडी दिखाने के बावजूद। पुलिस की बर्बरता यही नहीं रुकी, पुलिस ने कैमरामैन के कैमरे को तोड़ दिया, जो जहां मिला उसको वहीं पीटना शुरू कर दिया। वाराणसी में बीएचयू हंगामे को कवर करने गए पत्रकार पुलिसिया तांडव से अवाक रह गए, हैरान रह गए। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पत्रकार सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे, लेकिन बेरहम पुलिस बेगुनाह पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती रही। तस्वीरें देखिए, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यह तस्वीर, बीएचयू में जो हो रहा था उसको कवर करने ये पत्रकार पहुंचे थे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के ये पत्रकार हैं,